को मुजरमों का पीछा करते हुए देखे ना, तो उससे पता चलता है कि मुजरिम पुलिस एहलकारों से ज्यादा फिट है। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस वाले भागते नहीं है, अगर मुजरिम ज्यादा हो तो भाग भी जाते और जिम्मेदारियों से तो हर वक्त भागते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तो पुलिस वालों को अच्छा ही कहूंगी। अब देखे ना, मामला वहीं का वहीं रफा दफा करा देते हैं, अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े ना बंदे को तो लग पता जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस गैर जिम्मेदार है, असल में मुजरमों की तादाद इतनी ज्यादा है। लेकिन जराइम पर काबू पाने के लिए आखिर पुलिस वाले क्या इकदाम कर रहे हैं, आइए चल के देखते हैं थाने में। थोड़ा बंदा इंट्रो लिख के देंदा ना, ये किधरे मेरे हथी चढ़ गया ना, ये 4-5 साल ही अंदर जाएगा, इस तो काट मैंने ऑन एयर धमकी दे रहे हैं मुझे। गल्ला को करने वाली है नहीं, नजर नहीं आ रहा तनु, उसका टोन तो देख भाई, वेस्ट है सच्चा वेस्ट। 30 तो मेरी है, एक मिनट ठहर नहीं, 30 तो आपकी है, 28 वेस्ट का मतलब तन दस ने 28 साल वेस्ट किए ने इस नौकरी से ने फिर पहुंचे इतो तक। अच्छा मैं अभी अपने अल्फाज वापस ले लूंगी, आप जरा मुझे खड़े होकर दिखाएं। अच्छा एक मिनट छोड़ दो, मेरे को जाती काम भी नहीं, ऑफिस में बैठ के जाती काम कर रहे हैं अरबाब, कारखाना बना ही से सारा। सर जी पहले ये बताइए है कौन है? कौन, मैं तेन कैसे, तू बोलना नहीं, तू बोलना तो अभी फड़िया जाना है। खाना बना ही जी सर जी, घर के सारे काम कर रही है, सारे काम। भाई अरबाब मैं कहना कि ये साने की शान है, देखो ये होता है कि अफसरों की हेल्प करनी। हाँ साहब यस सर, कट करो जरा, देखो कितने पहुंचे है, एकदम बत्ती तो उठाई गया कि नहीं, ये होंगे पुलिस वाले नाले, तुम पता आई जी साहब। ओ आपके आईजी साहब की तो मैंने बड़ी तारीफें सुनी है, सुना है ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्या बात है डॉक्टर साहब दी, इस टाइम डॉक्टर साहब ते आवाम कुल मिल गए ने। हां नजर आ, तुसी यकीन जानो कि किसे बंदे दा कोई पैसे ना दे रहा होवे। डॉक्टर उस्मान साहब नु तुसी कॉल करनी जी, ए बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। अच्छा। एक बंदे ने मेरा 1.25 लाख देना सी, मैं डॉक्टर साहब नु फोन किया, डॉक्टर साहब ने एक मिनट दे विच लेके देते ने पैसे मेनु। कमाल है किसी पुलिस वाले का और ऐसे पुलिस वाले का। देखो फिर जाती लड़ाई नहीं लड़दे असी, इसलिए अपनी दरखास्त तुसी दे सकदे, तुहाडे तां काफी सारे मसले ने, एक कॉल करनी है कि तुसे। मेरा कौन सा मसला है, वो प्रॉब्लम होंगी ना एक्टर की होंगे ने, मैं पता है आप कि थोड़े पैसे प्रोड्यूसर मार गया हो, सैलरी टाइम सिर ना आ रही हो। सुनो टीवी के साथ क्या करेंगे आप? नहीं सुनो टीवी के साथ नहीं, जो बंदा तुम सैलरी देता है वो प्रोड्यूसर जरा फिर रहा होंगे अन्ने वाह, हाँ वो करा कार्रवाई, जो सामने बह के जूस पीता है तो तुम्हें नहीं देता, तुम्हें भी नहीं देता। यकीन जानो डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे मसले हल करे, पिछे तुसी खबर सुनी होगी कि एक अफसर ने अपने मतहत को कुटिया है, डॉक्टर उस्मान साहब ने पूरा एक्शन लिया है, सस्पेंड किया उन्हें। अच्छा आप उनकी तारीफें छोड़े, अपने ईमान से बताएं आपने आज तक क्या किया है? मैं 15 मिनट पहले इंजन खोला, तू कितने से बहस करनी, तुम सवाल करना बहुत आंदा है, इतने जो जॉब करनी है ना पुलिस की पता लगता है, ये साढ़े पुलिस का महकमा है, 24 घंटे ईमान सूली टंगे है। और सुनाओ ठीक हो तुम? अलहमदुल्ला मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। शुक्र अल्लाह का, घर के कामों की टेंशन मुक गई है, जिस दिन की रवाब आई है ये नवी परती अपनी कर दे, भांडे धो दें, सफाई सफुई कर दें, और हांडी ऐसी सुरीली बनाती है। घरेलू काम करवा रहे हैं? नहीं यार मोहब्बत च करती, प्यार च, उस दिन इन्हें कीमा बनाया है बीना जी, तुम उंगला खा जाओगे, तुम पता है मसूनी उंगला ने उस दिन खा गया सी। स्टाफ से आप घरेलू काम करवाते हैं इसलिए तो आपकी रेपुटेशन खराब होती है। ऐ बड़ी इंटेलिजेंट हैगी, ये बाइक इस तरह चलाती है कि सुल्तान गोल्ड नहीं चलाता इस तरह, बाइक में तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता मेरा। तो बाइक पे भी सर के घरेलू काम करती होंगी। नाके तो दो मुंडे दौड़े ने। अच्छा। मोटरसाइकिल ते ए आया बूसा लेके दौड़ी है, पीछे खान साहब बैठे सी। आया बूसा क्या है, हाया बूसा होती है? देखो कोई भी आया, आया तो है ना, साडे लई बूसा ही है, इन्हें इंज करके अगला पहिया चुकया है ते ए मुजरम दे कोल पहुंची है। अच्छा इन्हें मुड़ के देखा खान साहब आया नहीं, खान साहब कहां गए, जब इन्हें अगला पहिया चुकया है जी आ बूसे दा, हाँ सब तो लाला मूसा पाया है सर। अगर ये बात कराची पहुंच गई ना, प्लीज अंकल तुसी बैठो, एडी गलते कोई नहीं, तुसी यानी इशू बना, आपके होटल में गंदला साहब हमारे साथ ज्यादती हुई है, इस ज्यादती और इस ज्यादती का अजाला आप एसएचओ साहब के सामने करेंगे। एक मिनट थाने आयो, पहले मेरी भी सुन लो। अच्छा साहब 4 घंटे तुसी क्या आए हो? हाँ जी। लेट क्यों हुए? मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई जनाब, थाने से बाहर लाई सी। ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ? ਹਾਂ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਖਬਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਦੁਲਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਬਿਆਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਕੋ ਤੋ ਖੁਦ ਚੋਰ ਪੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਲੀ ਲੋ, ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਰਾ ਲੋ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਇਧਰ ਆ ਬੇਟਾ।
अच्छा जी वकुआ क्यों है? वकुआ है जनाब के अशरफ भाई खुदा को हाजिर नाज़र जान के सच बताइयो 2500 कसम रस्ते जेने मेरे को चुकवा लीजिए। हाँ। मैं सही दसांगा जी ए शादी हाल दा मालिक जे ये मालिक है। हाँ। ये मालिक है। हाथ ना लाओ थोड़ी मेहरबानी अपना पहले तारफ कराओ जनाब। मेरा तारफ पूरी कराची से पूछे मैं कौन हूं जी देखो तुम मंगदे हो अपना नाम दसो भाई। एक तो पंजाब देना हर बंदा जुमले कसरा है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये हॉल का मालिक है जिसका अपना कोई हाल नहीं वो हॉल का मालिक है। चुप गल करन दियो साहब जी ए जे मालिक शादी हाल दा टाइम खत्म हो गया सी। यार तू मालिक कहता ना मुझे फिर गुस्सा चढ़ जाता है मेरा ब्लड शूट कर देता। ये मालिक है ये मालिक है। एक मिनट देखो हाथ दराजी जनाब वाली इतनी करनी तारफ कराना अपना। अब कराची से पूछ मैं खानू पूछ कराची। हुन मैं कराची पहले जावां थाना बंद कर दें। मैंने बकुआ दसो मसला गल की तू हुई है। मैं अपने लाडले बेटे की बारात देखे बड़ी लंबी मसाफत तय करके यहाँ लाहौर पहुंचा हूँ। पहले ना दसो बाकी गल बाद ही करी। मेरा नाम पूछना है ना। हाँ। तो कराची से पूछ। कराची मेरी फुफी भी आई है क्यों पूछा था कराची तुम। तुसी सानू पहले टिकटां देओ कराची दिया पहले पहले पूछ के आइए। ए बच्ची दा तारफ नहीं करा रहे। ये दुल्हे की बहन हमारी बिटिया है। हमने तो बचपन से ख्वाब सजाया हुआ था कि भैया की शादी होगी हम नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे और पता नहीं क्या क्या लेकिन वहाँ पर इन्होंने तो पता नहीं क्या आके हॉल बंद करा दिया। मेरे तो इतने गाने थे वहाँ पर मैंने तैयार कर रखी थी मुझे तो मौका नहीं मिला परफॉर्म करने का। बेटा मेरी गल सुन लो पॉज भी देना सानू। मेरे ख्याल थोड़ा फंक्शन इस गल तो बंद होया कि तुसी पॉज नहीं देंदे। अच्छा ये फैमिली मामला खत्म करने नहीं मामले को तूल देने आई है। बहुत परवाह हम तूल नहीं दे रहे हम तो अपनी बात कर रहे कि हमने गाने सेट करवाए सब बरातियों के। अच्छा हमने वहाँ पे भैया आज थोड़ा सा अपने बच्चे की खुशी पे अल्लाह गुल्ला नहीं करना भाई। तो कब करना है गल्ला करके सच्चे ना हो मैनू अपना दुख तो सुन दियो। तुसी दसो जी आलीजा मैं हाल दा मालिक। अच्छा तू मैनू आलीजा कहे ना तू हाल दा मालिक नहीं लग रहा। अच्छा होया की है जी? जनाब 10 बज गए हाल बंद करने का टाइम इन्होंने डांस ढोल टमका उथे जनाब लुडियां पाउन डे। देखें यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि क्या पंजाब में चल रहा है कानून के 10 बजे यहाँ पे हॉल बंद हो जाएंगे। अगर होती कराची मैं सुबह 3-4 बजे तक वहाँ पे अपने बेटे के लिए हल्ले गुल्ले करता। मेरी बहन ने मेरी शादी की इतनी तैयारी की भी थी ढोल धमाका तो भी यहाँ ताशे कहाँ गए सारे। अच्छा तुम सारे इको कार रेंदे हो? ऑफ कोर्स एक ही कार टेम्पो होंगे ही नहीं है। जमहूरियत है वहाँ कराची में जो मर्जी टोन रखना चाहे रख सकता है। अच्छा भाईजान तुसी अपना तारफ करा दो मेनू। मेरा तारफ पूछना तो कराची से पूछिए। चल चल ओए थाने में ताला लाओ मैं कराची से करो कोई नहीं तो बाद तेरा अपना तारफ करा सही जनता से बड़ा यहाँ कर जाने इन आए तेरा। हाँ देखे हमारे अब्बा पे जुलम ना करो। अच्छा जी किन आए दस कराची से पूछिएगा कि मस्तानी साहब कहाँ रहे थे। इड्डी आकर दिखा रहे ना डांस ना लख है ना। बरात कितने बजे आई सी जी हॉल से? 7:30 बजे बरात पहुंची है जी। हॉल दे मालिक हो ना? जी मैं हॉल दा मालिक। कम से कम जुराबा तो ले लेनी है। देखिए अपना मस्तानी साहब क्यों देखी हूं कराची में पूछो जाके। अरे मैं बता रहा हूँ ना भैया देखिए आप एक अच्छे आदमी है आपके फूल बढ़ने चाहिए थे क्योंकि आप यहाँ पे इन जैसों की बात नहीं सुन रहे। हमारी तो छोटी सी दरख्वास्त है कि इस पे FIR करनी चाहिए इसको ताहयात जेल के अंदर बंद होना चाहिए। जब आपने हॉल बुक करवाया था तो आपको नहीं पता था 10 बजे बंद हो जाना है? नहीं मालूम था नहीं मालूम था। हम मेहमान हैं हमारे लिए 2 घंटे तो छूट होनी चाहिए। ते मामा कराची में पूछ के होना सी ना तो फिर है। अगर आप मस्तियां शो में हम सब का हला गुला देखना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।